आपने मुझे कहा था कि कदर के टॉपिक पर बात हुई थी, और आपने कहा था कि आप इसके बारे में रिसर्च करें और फिर मेरे पास आए, आपको क्या आंसर्स मिल रहे हैं? ठीक है, ये सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 खोले आप। बहुत ही बाबरकत है वो हस्ती जिसके हाथ में बादशाह की हर चीज पे कादिर है, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमा सके कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करने वाला है, और बहुत जबरदस्त है और वो भी बहुत बख्शने वाला है। ये वाली अच्छी थी जी, बस हाँ जी। अच्छा, जी। आपने मुझे कहा था कि मैं रेफरेंस दूँ, तो आप कह रहे थे कि तकदीर में सब कुछ लिख दिया है और अल्लाह ताला। जी अच्छा, तो इसमें जो ये लाइन्स हैं कि वो आजमाइश करेगा ताकि तुम्हें जी आजमाए, तुम्हें से कौन अच्छा अमाल करने वाला है, और मतलब तो आपने मुझे कहा था कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, पहले से फिक्स है, सब कुछ लिख दिया है कि जो बुरा जी करेगा वो जहनम में चला जाएगा। तो फिर अल्लाह जी ताला ने इस आयत में ये क्यों बोला है कि आपकी आजमाइश की जाएगी? जी यही तो मैं बताता हूँ हमेशा से कि दो नंबर ही आजमाइश। देखिए कुरान की चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 178 टू 179 क्या कहती है वो पढ़ते हैं। ये आयत अपने जेहन में रखिएगा, जो आयत अभी आपने मुझे दी है सूरह मुल्क की आयत नंबर 2, ये अपने जेहन में रखिएगा ठीक है। उसके जी, बाद अब आप आप जो इसको है ना एक्सप्लेन ये तो पढ़े कर मेरे दो से, पहले। जी वही करने लगा हूँ, वही एग्जैक्टली वही करने लगा हूँ। एक सेकंड दीजिए, आपको एक्सप्लेन होगा, खुद होएगा, आप खुद बोलेंगे मेरे से। अल्लाह जिसे हदायत देना चाहता है देता है, वही हदायत याफ्ता होता है, और जिन्हें वो गुमराह करता है वही तबाह होने वाले हैं। गुमराह कौन कर रहा है यहाँ पे? पे तो लग गया अल्लाह ताला। लग रहा नहीं है, लिखा हुआ है, जिसे अल्लाह हदायत देता है वही हदायत याफ्ता होते हैं, और जिन्हें वो गुमराह करता है वही तबाह होने वाले होते हैं। गुमराह कौन कर रहा है सिस्टर? बेहतरीन, अल्लाह थैंक यू सो वेरी मच। इससे अगली आयत में चलते हैं। अल्लाह कहता है हमने जन्म के लिए पैदा किया, हमने जहन्नम के लिए पैदा किया है बहुत सारे जिनों और इंसानों को, इनके दिल हैं लेकिन वो गौर नहीं करते, इनकी आंखें हैं मगर वो देखते नहीं, इनके कान हैं लेकिन सुनते नहीं, ये चौपाओं की मानिंद हैं इससे भी गुजरे हैं, यही है वो लोग जो गाफिल हैं। अल्लाह ने किन के कान बंद किए हैं, किन की आंखें बंद की हैं, किन के जुबानें बंद की हैं? मतलब अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि मैंने उनके दिल बंद कर दिए, वो ये कह रहे हैं कि इनके दिल तो हैं लेकिन वो गौर नहीं करते, वो उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब मैंने उनके कान बंद कर दिए हैं, जी मतलब वो बता रहे हैं कि वो सुनते नहीं हैं, वो जी जी समझते जी जी नहीं नहीं सुनते हैं। वो कौन से लोग हैं, हैं, जिन और इंसान है कौन से जिन और इंसान हैं? जो जहन्नम में जाएंगे। नहीं, जिनको जहन्नम के लिए पैदा किया गया। अब ये लोग काम कैसा करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे? ऑफ कोर्स ये बुरा करेंगे। बुरा काम करेंगे। तो जब ये बुरा काम करेंगे तो टेस्ट में फेल होंगे, बेहतरीन। ऑफ कोर्स लेकिन फ्री विल तो खत्म होगी ना यहां पे, क्योंकि अल्लाह ने इनको पैदा ही जहन्नम के लिए किया था, अल्लाह ने पैदा ही जहन्नम के लिए किया था, इस वजह से ये बुरे काम कर रहे हैं। आप इसके जो बैकग्राउंड में आए थे वो बता सकते हैं मुझे? जी मैंने इसकी बैकग्राउंड में पिछली आयत पढ़ी है ना आपके सामने, ये देखिए ये पढ़ी है ना, आप जरा दो तीन इसीलिए मैं एक पढ़िएगा आयत पीछे पीछे से गया से। हूं ना, जिसे अल्लाह हदायत देता है वही हदायत याफ्ता होता है, जिन्हें वो गुमराह कर दे वही तबाह होने वाले हैं। ये बैकग्राउंड की आयत पढ़ी है ना, 10 आयतें और पीछे पढ़ लूं, जी, वो आप खुद भी जाके पढ़ सकती है, कुछ नहीं है उसके अंदर। देखिए एक दो पढ़ दें, अब मुझे एक दो तो पढ़ दें। ले जी, आप एक दो को छोड़ें, आप और पढ़ लें, ये ले 75 से ले लेते हैं। और सुनाइए इन्हें इस खबर की, जिसने अपनी अपनी आयतें उतार उतार दी, निकल के भागा शैतान उसके पीछे, गुमराह हो गया, और हम चाहते तो इन आयतों के जरिए इसे और बुलंद करते हैं मगर वह जमीन पर धरता चला गया, इसने पैरवी की अपने ख्वाहिश की, अगर तुम इसके ऊपर बोझ रखोगे हांपेगा कुत्ते की तरह, नहीं हांपेगा कुत्ते की लेकिन तरह, यहाँ कुत्ता पे हमेशा फिगर हांपता है, कुत्ते का कोई ताल्लुक ही नहीं है हांपने या ना हांपने से, कुत्ता हांपता इसलिए है कि उसके बॉडी के अंदर स्वेटिंग नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर आप स्वेटिंग थोड़े नहीं यहाँ पे होती, इस पे रुक जाना उसको हांपने की जी। जरूरत होती है। लिहाजा अल्लाह यहाँ पे बेवकूफी कर रहा है, कुत्ते का हांपना उसके ऊपर बोझ डालने की वजह से नहीं है, वो उसकी स्वेटिंग की वजह से है, उसकी बॉडी की हीट को रिड्यूस करने के लिए है, इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग। एनी हाउ अगली आयत लेकिन इस आयत में देखिए, इस आयत में ये तो, एक सेकंड रुकिए तो सही, आप जी, इसमें ये रुके लाइन तो रुके रुके देखिए, रुके और उसने पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की, मतलब जी फ्री जी विल जी आ गई ना, उसकी अपनी जी ख्वाहिशात थी, मतलब अल्लाह जी अल्लाह ताला ने तो उसमें इंजेक्ट तो नहीं किया ना कि आपकी ये जी जी ख्वाहिश बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ख्वाहिशात ख्वाहिशात ज़हन में रखिएगा आप, ठीक है, ओके, जी, ख्वाहिशात वो कुत्ते की तरह है, राइट उसकी मिसाल। हाँ जी ओके।
کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یہ بھی فری ویل آ گئی آپ کے مطابق. ایک سیکنڈ, کیا ہی وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں, مطلب دیکھیں جھٹلا رہے ہیں. فری ویل کہہ سکتے ہیں اس کو, ہے نا, آ گئی نا فری ویل, وہ خود جھٹلا رہے ہیں, رائٹ جی. اوکے, پھر اگلی آیت آ گئی, اللہ ہدایت دیتا ہے اسے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے, جنہیں گمراہ کر دے وہ تباہ ہونے والے ہیں, رائٹ. اوکے, اب یہ جتنی بھی فری ویل ہے اس کو اللہ نے یہاں پہ سمری کر دی. سمری کی اللہ کر رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو لوگ اپنی خواہشات کا استعمال کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, اگر ان کی آنکھیں کھلی ہوتی, ان کے کان کھلے ہوتے تو ان کی خواہشیں بھی اچھی ہوتی. اگر ان کے کان کھلے ہوتے, ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تو وہ ہماری آیتوں کو نہ جھٹلاتے. لیکن ہم نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے, لہذا ان کی آنکھیں بند ہیں, ان کے کان بند ہیں, ان کے سب بند ہیں. اللہ نے ہی ان کو پیدا اسی وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے. بیکوز انہوں نے جہنم میں جانا ہے, لہذا اللہ کی طرف سے ہی ان کے آنکھیں کان بند ہیں, لہذا ان کی ہر خواہش, ان کا ہر چیز غلط سائڈ پہ ہوگا. اللہ نے ہی ایسا کیا ہے, اس میں اس بندے کا قصور نہیں ہے, اس کے آنکھ کان بند ہیں, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. آپ بولیں پھر میں بولتی ہوں. میں نے تو آپ کو آنسر دیا اس چیز کا. ٹھیک ہے, میں بولوں. آپ کو پتا میں نے راستے میں ایک اور آیت دی تھی آپ کو. جی, آپ سورہ ملک تک چلی گئی تھی. ملک تک جانے کے لیے آپ ادھر آ جائیں. یہ دیکھیں, یہ میں نے آیت پہلے دی تھی. نہیں, ایک سیکنڈ, اس آیت پہ مجھے بات کرنی ہے, یہ جو آپ نے مجھے پچھلی بولی ہے. دیکھیں, اگر آپ اس میں خواہشات والا پیراگراف, وہ والی آیت دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ اس سے نیکسٹ والی دیکھ رہے ہیں, تو اللہ, مطلب جب اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ جھٹلا رہے ہیں, تو اللہ اسی اسپیسیفک گروپ کے بارے میں بات کر رہا ہے. اب آپ اس کو یہ بولیں کہ اللہ پوری یونیورس کے بارے میں یا پوری ہی دنیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو وہ اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے. پچھلی آیتوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ وہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا وہی جہنم میں جائے گا نا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بات ختم ہو گئی. دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ خواہشات کی بات کر رہے ہیں, تو وہ خواہشات والے گروپ کی بات کر رہے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی طرف دیکھو. میری خواہش دیکھیں, یہی تو بات ہے نا. آپ لوگ جان بوجھ کے گیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ آپ کے اسکالر جو ہیں وہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لسن, خواہش ایک دو نمبر بندے کی خواہش کیا ہوگی کہ وہ سیکس کرے 10 بندوں کے ساتھ, 10 لڑکیوں کے ساتھ, رائٹ؟ نہیں, مجھے نہیں پتا بھائی. دو نمبر بندہ ہے نا, اس کا کام ہے سیکس کرنا, شراب پینا, عیاشی کرنا, ڈانس پارلر میں جانا وغیرہ وغیرہ. گندی خواہش ہے نا, ان خواہشوں پہ بندہ جہنم میں جائے گا نا. رائٹ, اور ایسی گندی خواہشیں کس کے پاس آئیں گی؟ جو گندا بندہ ہوگا. جی, اور گندا بندہ کیوں ہوگا کہ اس کے آنکھیں کھلی نہیں ہیں, وہ اچھی چیزیں دیکھ نہیں سکتا. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بعد میں جو بات کر رہے ہیں وہ آپ پہلے کر رہے ہیں. آپ پہلے والی بات کو نہیں, ہمیشہ اللہ نے اس چیز کو کنفائن کر دیا نا اینڈ میں. دیکھو, اللہ نے کنفائن کیا. اب دیکھو ایک اور آیت دیکھو, آپ کو سمجھانے لگا, سمجھ آ جائے گی تو بہترین, نہیں سمجھ آئے گی تو دنیا کوئی طاقت آپ کو سمجھا نہیں سکتی, کیونکہ ویسے بھی محمد نے کہا عورتیں آدھے دماغ والی ہیں. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا. سن لیں, محمد نے نہیں کہا ہے عورتیں آدھے دماغ والی, آپ بول رہے ہیں. کوئی بات نہیں, میں آپ کو اس کی بھی حدیث دکھا دوں گا, ڈونٹ وری. اور اگر اللہ چاہتا, مت بولے مجھے, میں پورے دماغ کے ساتھ آپ سے بات کر رہی ہوں. آپ مجھے آدھے دماغ کا نہیں بولو, میں پورے دماغ کے ساتھ آپ کی بات سن رہی ہوں, کر رہی ہوں آپ سے. اوکے, میں ذرا تھوڑا سا آپ کو محمد صاحب کا دکھا دوں کہ وہ کتنے اچھے تھے آپ لوگوں کے لیے. یہ دیکھیں, نماز پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں, وٹ ایور, اور فطر پریئر, عید الاضحیٰ بولنا ہوگا بیسیکلی. عید کی وجہ آئی ڈی لکھا ہوا ہے تو پڑھانے جا رہا ہے, عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی کوئی نماز پڑھنے جا رہے تھے. دین دے پاس بائی وومنس, اور وہ عورتوں کے پاس سے گزرے. انہوں نے, محمد صاحب نے کہا, او وومن, عورتیں, گیو آرمز, تیار ہو جو. As I have seen majority of the dwellers of hellfire were you women. میں نے دیکھا تھا کہ جہنم میں majority جو ہیں وہ عورتوں کی ہے. They asked, انہوں نے کہا, why is it so? ایسا کیوں ہے? Oh Allah messenger, Allah کے نبی. He replied, انہوں نے کہا, you curse frequently and are ungrateful to your husband. تم لوگ گالیاں بہت نکالتی ہو اور تم لوگ اپنے ہسبینڈوں کی نافرمان بردار ہو.
आई हैव नॉट सीन एनी वन मोर डेफिशिएंट, मैंने किसी में इतनी डेफिशिएंसी नहीं देखी इन इंटेलिजेंस, अकल के अंदर. आई हैव नॉट सीन एनी वन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंट एंड रिलीजन देन यू वुमेन. जी क्या कहेंगे, नाकिसुल अकल. नहीं नहीं आप ऐसे नहीं बोले, मैंने तो आधी, मैंने तो फिर भी आधा दिमाग कह दिया. मोहम्मद ने तो 10% दिमाग भी नहीं दिया, नाकिसुल अकल कह दिया, अकल की खराबी वाली. थोड़ा ऊंची बोले जी, मुझे आपकी थोड़ी आवाज आएगी तो जवाब दूंगा आपको. मुझे तो पता भी नहीं लगता कब आप बोल रही है, मेरी बात के ऊपर भी बोल रही होती, मुझे समझ नहीं आती. अब आ रही है आपको आवाज? जी बोलिए. हेलो, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप इस बात को क्यों कह रहे हैं, ये बात तो मैं आपसे कर नहीं रही हूँ, ठीक है ना, किसी नकल वाली. ओके, आपने कहा था ये दिखा दें, इसलिए दिखा दिया, वापस चला जाता हूँ. वो उन औरतों के बारे में बात हो रही है जो जहन्नुम में थी, वो मेरे बारे में नहीं हो रही है. वो जहन्नुम में नहीं थी, वो इस दुनिया में बैठी हुई थी. मोहम्मद ईद की नमाज पढ़ के आ रहा था, औरतों को कह रहा है तुम लोग नाकिसुल अकल हो, तुम लोग जहन्नुम में सड़ोगी, तुम लोग नाकिसुल अकल हो. अच्छा सुने सुने, तो ये सिर्फ हमारा रिलीजन नहीं कह रहा है, ये हर बंदा कहता है औरतों पे कितनी मीम्स होती हैं. तमाम रिलीजन जो है उल्लू के पट्टे हैं, और आप भी का रिलीजन भी उल्लू का पट्टा है, राइट? नहीं, हमारा रिलीजन नहीं है, वो तो बता रहे हैं, वो तो एक चीज से वार्न कर रहे हैं आपको. वो वुमेन को कह रहे हैं ना, ये हरकतें आप अपनी ये हरकतें छोड़ दें, औरतों को ये बोल रहे हैं. ओके, वुमेन ने पूछा, वुमेन आस्क्ड ओ अल्लाह मैसेंजर, व्हाट इज द डेफिशिएंसी इन आवर इंटेलिजेंट एंड रिलीजन. हमारे नाकिसुल अकल क्या है और हमारे रिलीजन में नाकिसुल दीन क्या है. अब मोहम्मद देखे क्या कहता है, ही सेड इज इट नॉट द एविडेंस ऑफ अ टू वुमेन इक्वल टू द विटनेस ऑफ अ मैन. क्या तुमने नहीं देखा कि दो औरतों की गवाही एक बंदे के बराबर होती है. उन्होंने कहा हाँ. मोहम्मद ने कहा दिस इज डेफिशिएंसी इन इंटेलिजेंस, ये आपका आधा ब्रेन हो गया. दिस इज द डेफिशिएंसी इन इंटेलिजेंस, आपकी अक्ल के अंदर डेफिशिएंसी ये है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है. हाफ ब्रेन हो गया. जी जी बोले. मैंने कहा हाफ ब्रेन हो गया. नहीं ना, नहीं हुआ. दो मोहम्मद कह रहा है दो औरतों की गवाही एक बंदे की गवाही के बराबर है. दिस इज द डेफिशिएंसी इन इंटेलिजेंस. मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप पूरा कंप्लीट करें अपना. जी करूं? ये इसलिए बोला गया है, देखिए आप हैं. अच्छा आप अपने एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट कहते हैं आप हैं और मैं हूँ, हमने एक मर्डर होते हुए देखा है, सही है जी. आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है, लेकिन जब हमें कोर्ट में लेकर जाया जाएगा तो आपको डराना मुश्किल है, क्योंकि आप क्या हैं, आप एक मर्द हैं. मुझे डराना बहुत आसान है, सही है, मुझे दो चार लोग बोलेंगे मैं डर जाऊंगी, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, सही है, उनकी इज्जत और ये सारी चीजें होती हैं. तो इस वजह से औरतों की गवाही जो दो की होती है वो एक के इक्वल कंसीडर होती है, इसकी ये लॉजिक है. आप अच्छा, ये जो लॉजिक आप दिया, मोहम्मद ने ये लॉजिक दी है, मोहम्मद ने ये लॉजिक दी जो आपने दी है. ये तो मुझे देखना पड़ेगा. नहीं, मोहम्मद ने ये लॉजिक दी जो आपके सामने है, देखना क्या पड़ेगा, मैंने पढ़ के बता दिया. जल्दी होती हैं औरतें, इंटरेस्ट जल्दी होती हैं. सबा, आई विश कि आपकी आवाज सही आ रही होती, लोग आपको अच्छे तरीके से सुन सकते हैं. देखिए मेरी बहन, ये जो अभी आपने एक्सप्लेनेशन दी है ना, मोहम्मद ने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी. मोहम्मद ने कहा तुम लोग नाकिसुल अक्ल हो, आधे दिमाग वाली हो. ये आपके मौलवियों ने एक्सप्लेनेशन दी है ताकि आपको इस्लाम में रख सकें. इसीलिए मैं कहता हूँ औरतों का इस्लाम में रहना ऐसे ही है जैसे चिकन का KFC को डिफेंड करना. मोहम्मद ने एक्सप्लेनेशन दी है कि तुम लोग नाकिसुल अकल हो, अकल की बीमारी है तुम लोगों को. मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि तुम डरावे में आ जाओगी और तुम गवाही बदल दोगी. मोहम्मद ने ऐसा नहीं कहा. मोहम्मद ने कहा है तुम लोग नाकिसुल अकल हो, इस वजह से दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है. ये आपके मौलवियों ने कहा है ओ डर जाओगी तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा. मोहम्मद ने ऐसा क्यों नहीं कहा? अब ये तो मुझे, मैं इस टॉपिक के लिए तो नहीं आई थी, मुझे एग्जैक्टली ओके. तो लिहाजा मुझे चैलेंज मत किया करें कि आपने गलत कहा है, मैं आधे दिमाग वाली हूँ. ये मैंने इसलिए दिखाया था, वरना मैंने नहीं दिखाना था. एक सेकंड रुक जाए, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले बताएं, बहुत स्लो आ रही है लेकिन आ रही है. अगर अल्लाह चाहता तो मैं एक उम्मत बना देता, लेकिन वो गुमराह करता है जिसे चाहता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, और हदायत देता है जिसे चाहता है,
और तुमसे जरूर पूछा जाएगा इस बारे में जो कुछ तुम करते हो। अगर अल्लाह खुद हदायत दे रहा है वो जिसे चाहता है और खुद गुमराह कर रहा है वो जिसे चाहता है, तो वो पूछ कैसे सकता है मुझसे किसी भी बारे में? कैसे पूछ सकता है? तो अल्लाह ताला ने आजमाइश वाली भी तो आयत है कि आपसे यही आजमाइश वाली ही तो आयत है, उस आयत को इसमें मिला दिया हुआ है ना उसने। जब पूछा जाएगा उसे आजमाइश ही तो कहते हैं, और कैसे कहते हैं? अगर अल्लाह खुद ही हदायत दे रहा है जिसे चाहता है और खुद ही गुमराह कर रहा है जिसे चाहता है, तो मुझे ये बताइए फिर वो पूछ कैसे सकता है, फिर वो आजमाइश के बारे में सवाल कैसे कर सकता है? तो फिर आपको मेरे से ज्यादा अहदीस पता है, इतनी ज्यादा अहदीस पड़ी हुई है तकदीर पर, आप पढ़े मुझे। अब मैं आपको रेफरेंस नहीं दे सकती, मेरे मोबाइल में मैं खोलूंगी तो मेरी आवाज चली जाएगी। एक ये भी तो है कि जैसा तुम गुमान करोगे तुम्हारे साथ वैसा होगा, और जो तुम अपने बारे में अल्फाज यूज करते हो उस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ गई, आप ये खोल के मुझे दिखाएं। क्योंकि वो आपकी कदर में पहले से लिखा हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कदर में ये कैसे लिख दिया कि मैं, आप अजीब बात कर रहे हैं। कदर वाली आयत में लिखा हुआ है, किताबुल कदर के अंदर लिखा हुआ, ये भी किताबुल कदर है। ये आयत नहीं लिखा हो, अब मुझे कदर पे अहदीस दिखाएं, खोले। वही दिखा रहा हूँ ना, कदर पे हदीस। और क्या बोला था आपने? कदर पे हदीस दिखा रहा हूँ, ये देखें, बुक ऑफ डेस्टिनी खोले खोले। ये देखिए, आयशा द मदर ऑफ बिलीवर सेड टू अल्लाह मैसेंजर वाज कॉल्ड टू लीड द फ्यूनरल प्रेयर ऑफ अ चाइल्ड। अल्लाह मैसेंजर, देयर इज हैप्पीनेस फॉर दिस चाइल्ड हु इज द बर्ड फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ द पैराडाइज। आयशा कह रही है यार, ये तो परिंदों में से परिंदा है, इतना छोटा बच्चा है, ये तो इसने कोई गुनाह ही नहीं किया। नोर हैज ही रीच्ड द एज व्हेन वन कुड कमिट सिन, ना ही ये किसी ऐसी जगह पे पहुंचा है ऐसी उम्र को कि सिन कर सकता। एंड ही सेड, मगर मोहम्मद ने कहा, आयशा फॉर एडवेंचर इट मे बी अदरवाइज, लेकिन एडवेंचर के मुताबिक, कदर के मुताबिक ये उल्टा भी हो सकता है। बिकॉज, क्योंकि अल्लाह क्रिएटेड फॉर पैराडाइज दोज आर फिट फॉर इट, क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया जन्नत के लिए जो जन्नत के लिए फिट है। वाइल देवर येट इन देयर फादर्स लाइन, जब तक वो फादर के सीमन के अंदर थे, मैं इसको जरा चेंज कर रहा हूँ वरना ये बड़ा गंदा लफ्ज है। एंड क्रिएटेड फॉर हेल दोज हु आर गो टू हेल, और अल्लाह ने हेल के लिए बनाया उनको जो हेल में जाएंगे। व्हेन देवर इन द फादर्स लाइन, जिस वक्त वो अपने बाप के सीमन के अंदर थे। अच्छा आप ये बात कर रहे हैं, तो इसमें कदर वाली बात, तो मतलब ये तो एक स्पेसिफिक उस बच्चे के बारे में बात हो रही है, पूरी यूनिवर्स के बारे में तो बात नहीं हो रही है। एक बच्चे, अरे बीबी हदीसें एक एक के जरिए ही होती है ना, जब किसी एक इवेंट पे मोहम्मद ने बोला तो वो जेनेरिक है। एक बच्चा, चलो एक बच्चा, इसे एक बच्चे ने जन्म जाना था, नहीं वो उन्होंने उसको बिल्कुल क्लियर तो नहीं बोल दिया कि जहन्नम में जाएगा, वैसे एक बात ही है मतलब, तो वो कदर को समझाने के लिए बात किया, वो बच्चा तो ऑब्वियसली जन्नत में ही गया होगा, वो तो उन्होंने बस बात की है। देखिए देखिए सिस्टर, बात सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है हमें। देखिए इस्लाम में हुज्जत इस तरीके से नहीं बनती कि मोहम्मद ने ये तो उस बच्चे के लिए किया था। मैंने उनको एक्यूरेट रेफरेंस दिया, ये आपने मेरे सामने रखा है, मैंने तो आपको सूरह मुल्क की आयत बताई है। जी जी, मैंने आपको सूरह मुल्क की आयत दिखा दी थी, ये देख लीजिए किधर गया सूरह मुल्क, किधर गया सूरह मुल्क, वापस ले आते हैं आपके लिए। देखें बात सुने, अल्लाह से यही मैंने कहा था कदर में भी, कि जब अल्लाह के सामने मैं खड़ा होऊंगा, ठीक है, तो मैंने उसे यही कहना है कि अल्लाह एक तो तूने मुझे पैदा ही जहन्नम के लिए किया, दूसरा तूने मुझे किया गुमराह, तो अब मुझसे तू पूछ कैसे सकता है? वो टेस्ट कैसा जिसमें तूने चीटिंग कर दी हुई है? ये बात मैंने कदर वाली बात स्ट्रीम के अंदर एक दफा नहीं कि 10 दफा कही होगी, कि जब अल्लाह ने टेस्ट में कर दी है चीटिंग, अल्लाह कुरान के अंदर कहता है ना कि जिसे शैतान गुमराह करे उसको हदायत दे सकते हो, लेकिन जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हदायत नहीं दे सकता, राइट? मोहम्मद को भी कहा कि मोहम्मद को भी अल्लाह ने कहा कि जिसको मैंने गुमराह कर दिया है तू भी उसको हदायत नहीं दे सकता, ठीक है। अब बात यह है कि अगर अल्लाह ने चीटिंग कर दी हुई है मेरी कदर लिखने में कि मैंने जाना ही जहन्नम में है, तो नो मैटर व्हाट मैं जहन्नम में जाऊंगा। प्रॉब्लम इज कि वहां पे अल्लाह इम्तिहान तो जरूर लेगा, क्योंकि उसने कहा मैंने इम्तिहान लेना है हर किसी का, लोगों को दिखाना तुमने किया क्या था, लेकिन वो जो लोगों को दिखाएगा ना उसने मैंने किया क्या था, वो अल्लाह के गुमराह करने की वजह से दिखाएगा ना, भाई मैं गुमराह हुआ था अल्लाह की वजह से, अल्लाह ने कहा उसने मुझे गुमराह किया है, तो ही मैंने गलत काम किया। मुझे चूंकि उसने जहन्नम के लिए पैदा किया था लिहाजा मेरी आंखें बंद थी, मेरे कान बंद थे, लिहाजा मैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात पे चला, तो ये चीटिंग की हुई है ना अल्लाह ने। नहीं ना, आप वो वाली हदीस क्यों नहीं खोलते जिसमें अल्लाह ताला, जिसमें हदीस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि, देखिए वो वाली हदीस नहीं बताएं, मुझे नंबर बताएं मैं खोलता हूँ। तुम दुआ करें, मैं एक सेकंड, फिर मेरी आवाज जाएगी, आप बंद मत कीजिएगा मुझे। आपकी आवाज वैसे ही नहीं आ रही, देखें
بات سنیں میری, اللہ سے, اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ جب جب پین نے لکھا تھا ڈیڈز, یہ دیکھیں, یہ تو میں نے سارا سن لیا, یہ تو میں نے سن لیا. تو کیا اس کے اندر سارا کچھ فیوچر بھی لکھا ہوا ہے؟ ان کی دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں؟ ہاں, وہ دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں, سب کچھ لکھا ہوا ہے, کیونکہ قلم ڈرائی ہو گیا. ڈرائی مینز اب وہ لکھ نہیں رہا, آپ کی تقدیر وہ لکھ نہیں رہا. تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ تم ایسا کرو گی, پھر دعا ہوئے گی اور پھر تم ایسا کرو گی. یہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے, ایوری تھنگ از پری ریٹن. کیونکہ آپ کو اللہ نے پیدا ہی اگر جنت کے لیے کیا ہے. جی آ رہی ہے آپ کو میں ریفرنس دے رہی ہوں, آپ یہ کھولیں. اچھا یہ ہے, اپنے لیے خیر کے سوا کچھ نہ مانگو, کیونکہ جو کچھ تم دعا میں کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. یہ حدیث ہے. ہاں ہاں تو یہ حدیث ہے, آپ یہ, ہاں ہاں تو آپ اپنے لیے, آپ اچھا آپ اپنی ایگزامپل دے رہے ہیں, تو آپ مانگتے ہی گناہ ہوں گے نا, آپ چاہتے ہی ہوں گے میں گناہ کروں. آپ سبا سنیں, سنیں اس چیز کو غور سے سنیں, کیا دعا تقدیر میں لکھی ہوئی ہے؟ نہیں. کیا مطلب؟ آپ نے جو کچھ کرنا تقدیر میں لکھا ہوا اس کے بعد تو قلم ڈرائی ہو گئے ہیں, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ. لیکن دعا فری ویل کی, مطلب دیکھیں فری ویل کی صورت میں دعا ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم کر سکتے ہیں. سبا سامنے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے, سنیں ذرا. Messenger of Allah said, one's deed in which he has already dried off the pen, کیا جو بندے کے کام ہے جو وہ کرتا ہے ڈیلی روٹین میں, آواز, زبان, دعا, آفس جانا, سب کچھ, کیا وہ اس کے اندر تھا جو قلم سے لکھ دیا اور اسے ڈرائی کر دیا, what has passed of the divine degree, یا وہ past کے بارے میں ہے, or is it the future, یا وہ future کے بارے میں ہے. He said no, it is in that which has already dried of the pen, what has passed of the degree, and each person is facilitated for what he has been created for. ہر بندہ کسی کام کرنے کے لیے create کیا گیا اور وہ وہی کرے گا, اور وہ چیز قلم میں سے لکھ دی گئی ہے پہلے سے اور وہ وہی کرتا رہے گا. اب ایک بندے کا قلم سے لکھ دیا ہے کہ اس نے جہنمی ہے, اس کے کان آنکھیں بند کر دی ہیں, لہٰذا وہ کام ہی وہ کرے گا. آپ وہی بات کر رہے ہو جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے مطابق ٹھیک ہے. اب جو میں نے حدیث بتائی, آپ دعا والی بات کو کیوں اسکپ کر رہے ہیں؟ آپ دعا والی بات, آپ دعا کرو یا نہ کرو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو فرشتے آمین کہہ رہے ہیں, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, ایک اور چیز دیکھیں. The idolaters of Quraishi came and disputed with Prophet concerning the divine decree. Then the following verse was revealed. The day they will be dragged from the faces of the fire. Taste your touch of hell. Verily we have created all things with qadr. اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز قدر سے کریئٹ کی ہے. اور یہ جو آپ کو حدیث ہے کیا بتا رہی ہے؟ جی کہ ہر چیز قدر پیدا کی ہے. اب دیکھیں اس کی آگے سے ایکسپوزیشن پر دیکھیں, آپ کو سنن ابن ماجہ میں آتی ہے. When you enter upon a sick, جب تم ایک بیمار کے پاس جاؤ, check, cheer him up, اس کو خوشی دو, give him hope of a long life, for does not change anything of the divine degree but the cheering the hearts of the one who is sick. اب آپ دعا کرو, فرشتے آمین کریں, نہ کریں, does not matter. جو قدر میں لکھ دیا وہ ہو کے رہنا. تو یہ آپ مجھے حدیث بتا رہے ہیں نا, ابھی آپ نے بھی تو حدیث ہی بتائی تھی نا. تو پھر میری حدیث میں, اچھا آپ کی حدیث, اچھا مجھے بتائیں, فرشتے آمین کریں تو کیا وہ پوری ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی, یہ بتائیں. میں نے آپ والی حدیث مان لی, ٹھیک ہے؟ آپ نہیں, میں نے آپ والی حدیث مان لی. میں نے ایک بندے, بیمار بندے کے گھر گیا ہوں, میں نے اسے کہا یا اللہ اس کو شفا دے, تمام فرشتوں نے کہا آمین, کیا وہ صحیح ہوئے گا لازمن؟ اب ہم گمان اچھا کر رہے ہیں, یہ اللہ پر ڈیپینڈ. میں بہت اچھا گمان کر رہا ہوں کہ میری دعا سے پتا صحیح ہو جائے گا, کیا وہ لازمی صحیح ہوئے گا؟ Maybe وہ ٹھیک ہو جائے, لازمی صحیح نہیں نہ ہوئے گا. تو مطلب ہم نے دعا کر دی نا, وہ ٹھیک ہو نہ ہو, ہم نے تو کر دی دعا. Exactly. So divine decree کو کوئی چیز چینج نہیں کر رہی. تو آپ میری حدیث کو مان رہے ہیں نا, جو میں نے بولا ہے کہ دعا ہوتی ہے اور دعا ایک فری ویل کی صورت میں ہے. تو یہاں پہ ہماری ڈیبیٹ ختم ہو. یار آپ سبا, ہاؤ سلی آر یو
कि जब मैंने आपको दिखाया है कि आपका हर एक्शन डिवाइन डिक्री में पहले से लिखा हुआ है, तो मैं भी तो आपको दिखा रही हूँ। क्या दिखा रही है? चले मुझे दिखाएं कि दुआ जो है वो फ्री विल से होती है, डिवाइन डिक्री से नहीं होती, दिखाएं। यार पहले आपने मुझे बोला था आप ये साबित कर दो कि बंदे के पास फ्री विल है, मैंने तो वही तो प्रूफ कर दिया। वही तो बता रहा हूँ, नहीं है ना, उधर ले जाओ कहाँ सबा जी। मुझे आप ये, अगर कदर है तो फ्री विल नहीं है, अगर डिवाइन डिक्री है तो फ्री विल नहीं है, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, दे आर ओपोजिट टू ईच अदर। इकट्ठी ही तो है, यही तो समझने वाली बात है। अच्छा एक सेकंड रुकें, मैं आपको बोलती हूँ, मैं आपको या कोई आपकी फ्रेंड आपको आई लव यू बोलती है, सही है, उसके चार पांच मीनिंग होंगे, जरूरी नहीं है वो आपको आई लव यू का एक ही मतलब है, तो आप हम इसका मतलब एक ही क्यों निकाल रहे हो? सबा जी प्लीज, ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, दिस इज अ फॉल्स इक्विवेलेंस, इट हैज नथिंग टू डू विद इट। आपकी एग्जांपल भी फॉल्स इक्विवेलेंस में जा रही है, प्लीज ऐसा नहीं करें। नंबर वन, देखें मेरी बात सुने, आई लव यू का एक ही मतलब होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं होता है इसके, शट अप एंड लिसन प्लीज, प्लीज लिसन For the sake of one minute, listen. Just listen. हाँ बोल दीजिएगा, मुझे 100 बार बोल दीजिएगा। Listen. एक बहन एक भाई को कह सकता है, कह सकती है I love you. एक lover अपने lover को कह सकती है I love you. एक माँ अपने बेटे को कह सकती है I love you. एक बाप अपने बेटे को कह सकता है I love you. I love you का एक ही मतलब है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। अब वो जो प्यार है, Try to understand what I'm saying. वो जो प्यार है वो रिश्तों के मुताबिक डिफरेंट टाइप का हो जाता है, लेकिन प्यार प्यार ही है। So I love you के 10 मतलब नहीं है। अच्छा, I love you का एक ही मतलब है। Okay, okay, okay. आपने रिश्ते की बात की है ना, आप रिलेशंस को निकाल दें। आपको आपको चार लड़कियां आई लव यू बोलती हैं, जिसमें से एक ने आपको बोला है क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहती है, एक ने इसलिए बोला है कि वो आपसे शादी के बगैर ही ऐसे मतलब प्यार चाहती है, तो ये दो कैसे हो गए, सेम कैसे हो गए? नहीं, दोनों का मतलब यही है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा किसी, इन दोनों में से किसी एक का मतलब है, अच्छा इन दोनों में से किसी, इन दोनों में से किसी एक का मतलब है मैं तुमसे नफरत करती हूँ? नहीं, बस बात खत्म होगी। डिवाइन डिक्री एंड फ्री विल, ये एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग है। डिवाइन डिक्री वो है कि जो लिख दिया वो होके रहेगा, फ्री विल का मतलब है कि मैं अपनी फ्री विल से चूज करूं क्या होएगा मेरे साथ। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, सिनोनिम्स नहीं है, पैरेलल्स नहीं है, दे आर ऑपोजिट। ओके, मैं आपको ये भी प्रूफ कर दूंगी, ठीक है, मैं आपको उसमें कर दूंगी। जरूर जरूर, बहुत मेहरबान। लेकिन आप औरतों को आधा अकल वाला नहीं बोला करा। मैं नहीं बोल रहा, आपके नबी ने बोला था, अगर आपको बुरा लगे उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप इसको रिवाइंड करके सुनेंगे। बहन जी मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, बहुत बहुत सॉरी, आपको बुरा लगा। अभी मुझे शट अप बोला, मैंने आपको नहीं। बहन जी मैंने आपको कहा आई एम सॉरी, आपसे माजरत, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी गालियां देती हैं, आप बोलते हो। आपने मेरी बात सुनी? मैंने आपकी सुनी है, लेकिन आप दूसरों की नहीं सुनते हैं। मैं, अगर मैं नहीं सुनता ना तो दिस इज ये वाला विक्टिम कार्ड अब मेरे साथ ना खेलें। सभा जी मैंने कहा आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा है, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट, इफ यू वांट मोर लेट मी नो। मैं आपको नेक्स्ट, लेकिन जिस बंदे ने ये बात कही है, जिसको मैंने फॉलो किया है और कहा है, उस बंदे को भी गलत कहें, क्योंकि उसने सबसे पहले बोला, और मेरे साथ इसके ऊपर भी जाकर डिस्कशन कीजिएगा। मैं जरूर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं ये नहीं सुनाऊंगा क्योंकि हमारा आज का विषय था और दिनी भाई के साथ हमने आगे भी बढ़ना है। मैं ये चाहूंगा कि ये जो बातें सनातन के अंदर हैं कि जिनसे सनातन धर्म लिया गया है, उनके बारे में मैंने एक मुख्तसर सा खुलासा अपने दिनी भाई के सामने पेश किया है, रखा है, और मैं जानता हूं कि ये सनातन धर्म को अच्छा नहीं समझते, सनातन धर्म को तो ये तस्लीम नहीं करते और नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि इन तमाम बातों के ऊपर जो सनातन के अंदर इस हद तक अपवित्र और अश्लील हैं कि बच्चों के सामने बैठ के ये करने वाली बातें नहीं है, तो हमारे दीनी भाई इसके ऊपर हमारे सनातनी भाइयों को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आज का ये बड़ा गंभीर विषय है। उसके बाद हम दीनी भाई की इसके ऊपर राय लेके और मशवरा लेके कि क्या कहना चाहेंगे ये हमारे सनातनी भाइयों को इस तरह की बातों के ऊपर, इस तरह के हीरोज के ऊपर, उसके बाद हम फिर दीनी भाई के साथ बात कंटिन्यू बाकायदा तौर पर करेंगे। जी दीनी भाई,
हजरत मैं यहाँ आपसे बात करने आ जाऊंगा, सनातनी भाइयों को पैगाम देने आया हूँ। सर देना कि देखें कितनी अश्लील बातें हैं, इनको आप पसंद करते हैं? यार आप भी अश्लील मान लिए, मैं भी मान लिया, खत्म हो गई बना बात। अब उसको आपको मानना, अच्छा, आप मानते रहो भाई। नहीं मैं अच्छा आप अश्लील नहीं मानते इनको, ये ठीक बात है। अरे भाई मेरे सामने उसे अश्लील बोल दो, बेकार बोल दो, वाहियात बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो ठीक है क्योंकि मेरा वो मौजू नहीं है। हाँ आपका वो मौजू नहीं है, लेकिन आज की स्ट्रीम का ये विषय है, क्या करें, इस पे आप थोड़ी सी आपको राय देनी पड़ेगी ताकि उसके बाद आपके साथ कुछ स्पेशल बात की जा सके। थोड़ी सी राय दीजिए इसके ऊपर के इस स्ट्रीम के लिए बुलाए थे मेरे को। नहीं आपके साथ बात करनी है, लेकिन यार आज का विषय भी तो है ना, लोग आपकी राय जानना चाहते हैं, आपकी राय बड़ी कीमती है। आप किसी मजहब को नहीं मानते, आप किसी धर्म को नहीं मानते, तो जब ये इतनी अश्लीलता आपके सामने आती है कि एक ऐसे बंदे से ये सारा धर्म लिया गया है और वो ऐसे पैदा हुआ और इस तरह की हरकतें कर रहा है, और फिर उसकी ये बहू के साथ जो सूर्या देव काम करके गया है, उसके बाद उसने नाम भी नहीं लिया, उसको छोड़ के चला गया, बचा वो बाहर है, इस सारी कहानी के बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि सनातनी भाई समझते हैं ये हकीकत है, अगर ये हकीकत है तो बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी है, और इसके ऊपर आप समझाना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप खुद तो एक मजहबी आदमी नहीं, तो यार आप लोगों को बताएं कि यार ये क्या अश्लीलता है, इससे बाहर निकलें, जैसे आप निकले हुए हैं आपको लगता है, तो उनको भी निकालने की कोशिश कीजिए, सनातनी भाइयों को पैगाम दीजिए। क्या पैगाम देंगे भाई? मैं कब सनातन में था जो निकल गया? नहीं सनातनी आप मजहब से क्या बोलते रहते भाई आप लोग, से निकल गया ना, आपको मजहब अच्छे नहीं लगते। मैं इस्लाम से निकला हूँ। अच्छा सनातन में दाखिल हो गए, सनातन को एक्सेप्ट कर लिया? दाखिल किसी में भी नहीं हुआ हूँ, नहीं किसी हुआ में ना, भी दाखिल तो ना ही मैं पढ़ने की मुशक्कत उठाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपको चाहिए भी नहीं तो इस तरह की मुशक्कतें जो हम कर रहे हैं आपको भी करनी पड़ती है। अब आपके सामने मुशक्कत क्यों हुई आ गई है, इसके ऊपर राय दे दीजिए। आप कौन से डिबेट टीम से राय लीजिए भाई इसके ऊपर। एक मिनट अली भाई एक मिनट अली भाई, दीनी खबरदार सनातन के बारे में जे पिया पाम करके ना तेरा तिया पांचा कर दूंगा मैं, बोलना नहीं सनातन के ऊपर, खामोशी से इस्लाम के खिलाफ बकबक करनी है, सनातन पे कभी मत बोलना। हाँ ये मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर चेतन सिंह पता है ना, छोड़ दूंगा तेरे ऊपर मैं जी। नहीं अमर भाई ऐसे नहीं यार, ये एक गैर मजहबी आदमी है और उनको सनातन से क्या लेना देना, उन्हें क्या डर है, उन्हें क्या खौफ है, जब एक रियल चीज इनके सामने आ रही है कि ये हकायक है उसके ऊपर राय दें यार। आगे चलते हैं दिनी भाई। भाई पहले तो आप लोग ये कन्फर्म कर लें कि कोई एक बंदा कौन बात करेगा। यार क्या हो गया, डर लगता है आपको? नहीं मेरा तरीका है यार, देखिए यही चीज आके यही शर्त को आके मेरे साथ भी रख सकता मेरे चैनल पे, मैं सबको नीचे कर दूंगा, सिर्फ मैं ही रहूंगा, सामने वाला रहेगा। मैं बात कर रहा हूं और आमर भाई हमें मॉडरेट करेंगे ताकि बात की डायरेक्शन ठीक रहे। बात अली भाई मैं जानना, मैं बिल्कुल मैं वो कर देता हूं। अली भाई इन ये कह रहे हैं कि हम ऐसे बात करते हैं तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि आप रिसेंटली कुछ चक्कर क्या हुआ था उस बारे में बताना चाहेंगे? ये मुनाफिक कट्टर मुनाफिक इब्ने मुनाफिक भी तो वहां पर मौजूद था ना जी? बिल्कुल नहीं, इसी के चैनल पे तो मैं गया था, लेकिन ये बातें मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप और भाई थोड़ा सा बाद में करना चाहता हूँ। मैं सनातन के ऊपर इनसे राय लेके फिर आगे चलते हैं। यार दिनी भाई कितनी मुश्किल बात है कि ये जो कहानियां सुनाई हैं आपको अच्छी लगी हैं कि बुरी लगी? भाई पहले कंफर्म कर लो, कोई अकेला बात कौन करेगा, पहले कंफर्म कर लीजिए। मैं कर रहा हूं अमर भाई, अली भाई ही कर रहे हैं, अली भाई कर रहे हैं, मेरे बाकी लोग नीचे कर रहे हैं। मुझे तो पता था ये ट्रक ड्राइवर है, ये क्या रोड सारी साफ करवा के फिर ट्रक शुरू करता है? भाई लोग और भी रोड में होते हैं, तू अपनी ड्राइवरी कर, अपना चला, तुझे एक्सपर्ट गाड़ी चला। यार आपने अपनी राय देनी है, एक बार राय दे दें, नहीं जाती ना। अच्छा दिनी भाई यार राय दे दें, ये बातें आपको पसंद आई हो तो इनको स्वीकार कर लीजिए, नहीं आई तो रिजेक्ट कीजिए और रीजन बताइए। नीचे कर दें आपको यार, मेरी बात सुनो, मैं तो आप बाकी लोग नीचे कर दें, मेरे चैनल में सबको नीचे कर दूंगा, कोई भी होगा सबको नीचे कर दूंगा मैं। मुझे जरूरत नहीं है ना, मैं बताता हूँ आपके चैनल की कहानी और कथा भी सुनाई जाएगी, आज आप तशरीफ ले आए हैं। यार ये कितनी बड़ी मुनाफ़त है कि एक गैर मजहबी आदमी के सामने एक मजहब की जो है वो चादर उतार के दिखाई जा रही है, ये है वो सनातन, कहाँ चला गया? जी आ गया। देखा रहे ये हुआ ना टेक्निक जी, जबरदस्त। अच्छा दिनी भाई जस्ट राय दीजिए, क्योंकि एक या तो आप इसको पसंद करते हैं, इस धर्म में भी जाना पसंद करेंगे जो ऐसे आदमी से लिया गया है, या आप इसको रिजेक्ट करेंगे, एक ही बात है। कितनी मुश्किल है, पहले उसको उतारो फिर मैं बताऊंगा, पहले उसको मजहबों को रिजेक्ट, सभी मजहबों को रिजेक्ट करके बैठा। बीच में
सर सनातन सनातन बीच में ही है ना, अब सनातन का एक खास विषय हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले काम सुनिए, आप यही बात बुलाइएगा लेकिन स्क्रीन में और आप रहेगा यार, स्क्रीन पे रह लेते हैं एक मिनट, मुझे ये तो जवाब दे दें, ये कितना मुश्किल सवाल है कि अमर भाई अगर मॉडरेट करते हैं तो आपकी जुबान खुश हो जाएगी। सवाल कर लीजिए, यही सवाल कर लीजिए, लेकिन बात मैं चाहूंगा सिर्फ स्क्रीन पे सिर्फ मैं और आप हूँ। ये क्या बात है भाई, कौन सा मॉडरेटर हमारे, जुल्फकार अशरफ साहब म्यूट है, अमर भाई म्यूट है, हम दोनों ही बात कर रहे हैं, जस्ट ये बताए, उसके बाद असल बात तो फिर शुरू होनी है ना, प्लीज अपनी राय दीजिए। असल बात अकेले होने पे शुरू होगी भाई, हजरत हजरत, असल बात अकेले अकेले होने पे शुरू होगी यार। ये आपको डर क्यों लगता है, आप मर्द हैं कोई औरत है कि जहाँ पर चार बंदे बैठे हुए चुप करके बैठे हुए फिर भी डर रहे हो। मैं जब गया था ना आपके चैनल पे कितने लोगों को आपने बुलाया और एक्स्ट्रा लोगों को भी बुलाया, मैंने तो नहीं कहा था कि इनको नीचे कर दो, मैं भी तो बैठा था ना अकेला, कहाँ चला गया यार ये, फिर निकल गया, फिर चले गए। ओहो यार एक मिनट, मैं इनकोरी जी आ गए, आ गए जी, आ गए, आ गए, आ गए जी, आ गए जी जी। दिनी भाई जस्ट ये बताएं कि ऋषि व्यास जी के बारे में कहानी आपके सामने है। पहले अकेले अकेले पहले इस बात पे राजी हुई है कि स्क्रीन पे सिर्फ मैं और आप होंगे, इस पे राजी हुई है पहले, अगर होन बात करनी हो तो नहीं करनी तो कोई इशू नहीं है। एक मिनट, चले ठीक है, चले ठीक है, इस बात मुझे अली भाई, सॉरी अली भाई सिर्फ एक बार, ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, वो मैं दिल्ली एक बार गया तो सिग्नल पे खड़ा था, वो एक प्रोस्टिट्यूट नहीं होती तो वो कहती है नहीं भाई गाड़ी में चार लोग हैं मैं नहीं आना, इधर मेरे पास ही आओ, ये नहीं ठीक है, पहले तुम्हारे चार दोस्त बैठे हैं ये को कार्रवाई कर दें तो फिर मैं इधर क्या करूंगी। ये क्या बात है यार, स्टेज पे बैठी नहीं तुम्हारे, मैंने उस बंदे को चैलेंज दिया तुम्हारे गुरु को, मैंने कहा स्टेज को खाली कर मैं आ रहा हूँ बीच में, चपट गंजू ना हो, वो कहता है जी ऐसे ही आ जिसने आना है ऐसे ही आ, मैंने कहा इनवाइट का टाइटल लगा, वो नहीं माना, इतने नखरे। अब पता क्या हम साइड पे खड़े हैं जी अली भाई, सिर्फ एक बात करके मैं आपकी तरफ आऊंगा, इतने इनके नखरे हैं, अल्लाह के हुक्म से पोजीशनिंग, ये हमें ताना मारा करते थे ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये धंधा किसके ऊपर कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है एक महीने, एक महीने इसी तरीके से दो महीने पहले की वीडियो पर चले जाएं, उनके व्यूज देखें, पांच घंटे पहले इसने मेरे खिलाफ जो वीडियो जो डाली है उसके व्यूज देखें आप, तो बेटा फिर हम पूरा कैप्सूल भर के ना दें जाके जुम जब विदाउट एडिट अपने चैनल पर चलाओ तो जरा हमारी बात भी तो पहुंचे ना, ऐसे नहीं काम बनेगा बेटा, वो दिन गए जब फुद्दू खाता चला करता था। अली भाई बात करेंगे, अब हालत ये हो चुकी हुई है कि हमारे नाम पर व्यूज के ऊपर सुपर चैटें मिल रही हैं, ये हालत हो गई हुई है जी अली भाई, एडम के नाम तक खाने वाले मेरे को बोल रहे हैं, एडम के नाम तक खाने वाले, अमर भाई चलाइएगा, एडम वाला चलाइए, एडम वाला, एडम, हाँ नहीं इन्होंने एडम का नाम लिया तो चलना चाहिए एडम का, दीनी भाई एडम क्या कह रहा था रसूल, एडम का नाम का खा ले थोड़ा, खाएं दीनी भाई खाना एडम के नाम का, ओ भाई एक लाख बार चला ले कोई मसला नहीं है, एक लाख बार चला लो यार कोई इशू नहीं, एडम के नाम का, एडम के नाम का खाने लगे हैं जी, दे जी हिंदुओं ये दीनी भाई की फरमाइश के ऊपर एडम का नाम का खाने लगे हैं, किसी को गिला हो तो दीनी भाई से कीजिएगा जी जनाब जी आपको अच्छा नहीं लग रहा मैं बात कर रहा हूँ यार, मेरी बात भी नहीं कम्प्लीट होने दे रहे हो आप, मैं बात कर रहा हूँ एडम सीकर के साथ इत्तेफाक करते हो या नहीं, क्योंकि एडम सीकर के सारे स्क्रिप्चर यही कहते हैं दूसरे खुदाओं के बारे में, उनको गालियां देते हैं खुसूसन बुद्ध प्रश्नों के बारे में, उनको शैतान माना जाता है, वो वाजिबुल कत्ल हैं, जो एडम सीकर ने बातें कही हैं उनके साथ इत्तेफाक करते हैं क्योंकि ये उसका रियल मजहब है, अगर कहेंगे नहीं तो मैं स्क्रीन पर ला के भी दिखा दूंगा, एडम सीकर के साथ इत्तेफाक करते हैं भाई, यही सवाल रखिएगा लेकिन अकेले अकेले बात होगी। चले जी मैं फिलहाल अमर भाई आपसे गुजारिश करूंगा, सर, भाई। सर एक मिनट क्यों जी, मॉडरेटर अमर भाई माइक म्यूट है, माइक म्यूट कर लें, बात ये करेगा नहीं, इसकी क्या बार म्यूट रहता है भाई, लेकिन बीच में टपक जाती नहीं ना लोगों की, ये मेरी बात सुने, इसका माने ये मेरा सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, ये क्या है कौन है ये, मॉडरेटर हमें अमर भाई करेंगे, नखरे कर रहा है ये, चले मैं रिमूव हो जा, मैं रिमूव कर देता हूँ अमर भाई, आप मॉडरेट कर लो, की मसला ये है तेरा नट कसता हूँ मैं, तेरी जिस मोड़ी से लीकेज हो रही है ना
उसका नाटक देता हूं मैं मोरी में। यार कल कंटिन्यूटी पे अकेले बात नहीं कर रहा था, पब्लिक बैठे के साथ वही काम करवा रहा है, वो देख लिया है पब्लिक ने तेरी भी ने किसने बात किया क्या किया है अभी बात देनी। एक मिनट चले, जुल्फकार भाई चले गए हैं, दिनी भाई और मुझे आमर भाई मॉडरेट करेंगे। नहीं मॉडरेटर के लिए मैं राजी नहीं हूँ ना। नहीं आप नहीं राजी है ना, मैं तो राजी हूँ ना, मुझे मॉडरेटर चाहिए। कौन सा मॉडरेटर भाई है भाई, मॉडरेटर दोनों की मर्जी से होना चाहिए ना। ओ भाई लौंडी, ओ लौंडी, लौंडी, लौंडी की रजामंदी नहीं चलती। मलके यमीन चुप करके बात करनी है तो कर, हम लौंडी की रजामंदी नहीं पूछते। गांड मार के कुलोन को दूंगा ठीक है, इसको बोल दे, ये बोल दे अली भाई, ये बोल दे बगलोली है यार, उल्टा पलटा बोले जा रहा बंदा। बात करना, बात करना, क्या नखरा है तेरा अली भाई। हैं आमिर भाई तुमसे तुम्हारे चैनल पे अकेले बात हो जाएगी ना। यार अकेले ही बात कर रहे हैं, अकेले ही बात कर रहा हूँ मैं, इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे। ओ भाई कोई दोनों में से कोई कभी नीचे हो जाओ, कभी कभी इसका नखरा ये हो जाता है, और बोलो इसका नखरा ये हो जाता है, एसी लगाओ, कभी ये हो जाता है लाइट डिम करो, कभी दोनों में से कोई एक नीचे हो जाओ यार। मैं तो दोनों से किसी से बात नहीं उलटी हूँ, डांस कारीगर चुप करके बात कर, यार आया तो नखरे कर रहा है, इतने तेरे नखरे थे तो आना नहीं था, बात कर। मैं एक टीचर मुनाफिक दीनी भाई नाम है हमारा, टीचर मुनाफिक बेटा, हम वही हैं याद है, हम मुनाफिकों को पहले मारते हैं, दिनी भाई हमारे वो दिनी भाई हैं, हमारे चैनल बोलने देना, बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक से बात कर रहा हूँ, पब्लिक रिकॉर्ड मौजूद है मेरे साथ, मिस्टर दिनी भाई की 3 से 4 दफा हमारे चैनल पे बात हो चुकी है, हमने इसे पूरा टाइम दिया और ठीक तरीके से इसकी इलम की कलाई खोल के पब्लिक के सामने रखी, हमने इनको म्यूट नहीं किया, हमने इनको अपने चैनल से निकाला नहीं जब तक ये खुद नहीं गए। मैं गवाह हूँ इस बात का, वो वीडियोस गवाह हैं इस बात की जो हमारे चैनल पे मौजूद है, ये मुफ्ती साहब के चैनल पे गए, ये राजा साहब के चैनल पे गए, ये आमर भाई के चैनल पे कल गए, तो आपने देखा कि इनको पूरा और प्रॉपर टाइम दिया गया, और ये अपने चैनल पे बैठ के आदमी ये कह रहा है कि हम इससे डरते हैं ईमान यूनियन वाले। एक दफा ईमान यूनियन यार, अब आपको सुनकर एक बंदा नहीं सुन रहा कि एक बंदा बात कर रहा है, मैं पब्लिक को बताऊं तो सही कि ये कौन से लोग हैं, हम फिर भी इसको टाइम देंगे, आज टाइम देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आज ये ऐसे ना जाए। मैं इनके चैनल पे गया, टॉपिक इन्होंने रखा हुआ है, वहां पर बंदे इन्होंने बिठाए हुए हैं, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने गुजारिश की कि जिसका ये चैनल है वो मेरे साथ अकेला बात कर ले, लेकिन हर बंदे ने टांग उड़ाई, इन्होंने साहिल को वहां से बुलवाया, इन्होंने मुझे म्यूट किया, इन्होंने मुझे निकाला, मुझे बैकस्टेज किया, और वो चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है कि साहिल कह रहा है कि इसको नीचे करो, इसको म्यूट करो। मांगी एक आयत थी कि आप इस्लाम के ऊपर बकवास कर रहे हैं, जस्ट एक आयत दे दें, एक आयत नहीं दी गई, तो कभी इन्होंने मुझे नीचे उतारा, कभी इन्होंने मुझे म्यूट किया, कभी इन्होंने मुझे चैनल से निकाल दिया। तो एक दफा मौका मिला कि मैं इनके चैनल पे गया और इनकी हैसियत ये देखी, ये बंदा आ जाके मुझे ये कह रहा है कि ऐसे कर दो, वैसे कर दो, फलां कर दो, फिर भी मैंने इसकी डिमांड मान ली, जुल्फकार अशरफ साहब को मैंने रिमूव कर दिया, उनकी इजाजत से मैंने उनको रिमूव कर दिया, लेकिन एक मॉडरेटर होना चाहिए बात के दौरान। अब मैं ये चाहता हूं कि जस्ट मैं ही बात कर रहा हूं और कोई भी बात नहीं कर रहा, ये हकीकत भी मैंने बता दी कि इनकी अपनी हैसियत ये है कि जब इनकी टांगे कांपती हैं तब ये बंदे पे बंदा चलाते हैं। मैं ही कर रहा हूँ ना बात, एक मिनट रुक जाओ। तो अब मुझे ये बताओ, दुनिया भर की जानतराशी, दुनिया भर की कहानियां सुना रहे, क्या मतलब बनता ये है? कहानी नहीं है ये, कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। अब ये बताओ अभी आदम सीकर ने, यार फिर अकेले अकेले बात करने का दम है या नहीं, दम की बात कर रहा हूँ, उल्लू के पट्टे दोनों में भाई, आप दोनों में से कोई भी, यार मैं तो नाम भी लूंगा और बोलो। एक मिनट रुको, रुक जरा, खामोशी से सुन बात। कल तुम्हें मौका दिया पूरा, ना एक बार म्यूट किया, ना अभी तक तुम्हें निकाला है, खोती का पुत्र दंद निकाली जा रहा है, गलत सुन है बेटा तेरी, ये तू अगर सोच रहा ना कि तुझे जाने देगा ना, ना अगर बेटा तुझे पता ही नहीं आज तेरे साथ करना क्या हमने, आज तेरे साथ करना क्या, तू रुक रुक रुक, गाली नहीं दी एक भी गाली, अभी बात सुनेगा, बात सुननी है कि नहीं सुननी, गाली नहीं थी वो, बात सुननी है कि नहीं सुननी, अकेले अकेले कौन बात करे, अगर ये अली भाई ये बात अगर नहीं सुनेगा, ये या तो कहेगा बीच में कि इसने बात सुनी है, वरना ये मैं क्लिप प्ले करने लगूं, दीनी बात सुननी है या मैं क्लिप प्ले करूं, छोड़ो तुम्हारे उसकी बात नहीं, जाओ मैं कहीं और, एक मिनट अभी अभी